सो दोस्तों अभी बज रहे हैं ठीक 12, रात की 12 नहीं दिन के 12 बज रहे हैं। और गाइस मैं निकल चुका हूँ घर से, थोड़ा काम है मुझे तो बाहर आया हूँ। सो सबसे पहले आप ये रोड देख लीजिए, इसके बारे में बताऊँगा कि क्या है क्या नहीं। सो गाइस ये रोड काफ़ी अच्छा हो चुका है, आप देख सकते हो यहाँ पर। पहले गाइस ऐसा था कि इस रोड से हम जो है मेन मार्केट में जाने के लिए बहुत टाइम लगता था। टाइम इसलिए लगता क्या था क्योंकि यहाँ पर जो रोड था बहुत ही ज़्यादा ख़राब था, लेकिन अब बहुत ही अच्छे तरीके से बन चुका है ये रोड, आप देख सकते हो। सो काफ़ी कम समय में हम मेन मार्केट में पहुँच जाते हैं। सो अभी हम जाएंगे तलवाड़ा डैम, थोड़ा काम है हमें, कुछ जींस वींस ठीक करवाना है तो उसी के काम के लिए जाएंगे। और वीडियो किस टॉपिक पर बनाई है वो अब हम बताते हैं आप। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है यशराज कुमावत, शायद आप जानते हैं, और नहीं जानते तो मैंने आपको मेरा परिचय दे दिया है कि मैं हूं यशराज कुमावत, और आप सभी का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। सो गाइस आज के इस स्पेशल वीडियो में हम थोड़ी स्पेशल बातें करने वाले हैं आज आपके साथ में। और गाइस मैं अभी जा रहा हूँ घर से तलवाड़ा डैम, मुझे कुछ काम है। मेरा जो पुराना जींस है वो थोड़ा सा टाइट हो गया है, तो उसको हम थोड़ा सा ढीला करवाने के लिए जा रहे हैं ताकि मुझे कंफर्टेबल फील हो, ठीक है। सो गाइस आज के इस वीडियो में हम थोड़ी आपके साथ में अच्छी स्पेशल बातें करने वाले हैं। उसके पहले आप ये रोड देख लीजिए, मैं इधर से आया हूँ और इधर जा रहा हूँ, ठीक है। सो गाइस राजा यादव RJD को शायद आप जानते हो, और नहीं जानते हो तो मैं आपको उनका परिचय देता हूँ कि राजा यादव RJD जो कि एक मध्य प्रदेश के टॉप यूट्यूबर है, और उनके चैनल पर लगभग 2 लाख सब्सक्राइबर है। और गाइस उनके चैनल पर आदिवासी सॉन्ग्स आते हैं, मैं आपको बता दूँ, और हर महीने उनके चैनल पर आदिवासी सॉन्ग्स आते हैं। और गाइस इस महीने भी उनके चैनल पर आदिवासी सॉन्ग आने वाला है, और उसके बारे में बताऊँगा आपको कि कौन सा सॉन्ग आने वाला है, कब आने वाला है, तो वीडियो को पूरा देखना। सो गाइस राजा यादव RJD मतलब कि मैं आपको अगर उनके चैनल की अगर बात करूँ तो मान लीजिए अगर उनके चैनल पर आज कोई सी वीडियो अपलोड हुई है, कोई सा सॉन्ग अपलोड हुआ है, तो वो क्या करते हैं कि आज अपलोड होने के बाद में 15 से 20 दिन के अंदर अंदर नया सॉन्ग लाते रहते हैं, ठीक है। सो गाइस पिछला सॉन्ग आने के बाद में अब फाइनली काफ़ी टाइम हो चुका है, और काफ़ी टाइम होने के बाद में अब फाइनली नया सॉन्ग आने वाला है राजा यादव RJD के चैनल पर। तो मैं जब जैसे ही बाइक से जा रहा था तलवाड़ा डैम, तो मुझे रास्ते में खबर मिली कि भाई राजा यादव RJD का नया सॉन्ग आने वाला है। तो मैंने सोचा कि यार मेरे से जो जुड़े हैं राजा यादव RJD के चैनल के थ्रू, और जो मेरे फैंस हैं जो कि राजा यादव RJD से मिलना चाहते हैं या फिर उनकी अपडेट जानना चाहते हैं, तो मैं उनको बता दूँ कि भाई राजा यादव RJD का नया सॉन्ग आने वाला है। शायद आपने टाइटल में देखा, थंबनेल में देखा। सबसे पहले आप ये सॉन्ग सुन लीजिए, उसके बाद हम बात करेंगे कौन सा सॉन्ग आने वाला है। सबसे पहले आप ये सॉन्ग सुन लीजिए कि यार कैसा सॉन्ग है, ठीक है। तो सुनिए आप। सो गाइस सॉन्ग सुना आपने, कैसा लगा आपको सॉन्ग बताना जरूर। सो गाइस ये सॉन्ग है पतली कबर नानी थारो, ठीक है। सो गाइस ये सॉन्ग पहले ही रिलीज हो गया था, लेकिन इस गाने पे अगर राजा यादव RJD डांस ना करे तो इस सॉन्ग का डबल मज़ा नहीं आता, ठीक है। जैसे ही सॉन्ग रिलीज हुआ उसके काफ़ी अच्छे व्यूज आए, लेकिन जब राजा यादव इस गाने पे डांस करेंगे तो वो डबल ही मज़ा हो जाएगा, ठीक है। सो हर बार यही होता है, पहले गाना शूट होता है, मतलब पहले गाना रिकॉर्ड होता है, वो रिलीज़ होता है, और रिलीज़ होने के बाद में देखते हैं कि फैंस का कैसा रिप्लाई आता है, और उसके बाद में राजा यादव RJD उस गाने पर डांस करते हैं और फैंस का मतलब वो जानते हैं कि सॉन्ग कैसा लगा, और डबल मज़ा हो जाता है, ठीक है। सो गाइस फाइनली राजा यादव RJD का नया सॉन्ग आने वाला है पतली कबर नानी थारो, जो कि उसकी डेट अभी डिसाइड नहीं हुई है। जैसे ही डेट डिसाइड होगी उसके बारे में आपको हम बताएंगे। और फाइनली दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अभी तक मतलब कि सॉन्ग की डेट मतलब वो नहीं हुआ है कि यार कहाँ पर सॉन्ग शूट होने वाला है। और गाइस मैं आपको बता दूँ कि मुझे इस वीडियो से आपको यही बताना था कि राजा यादव RJD का नया सॉन्ग आने वाला है पतली कबर नानी थारो, और इस सॉन्ग का अभी शूट स्टार्ट नहीं हुआ है। जैसे ही सॉन्ग का शूट स्टार्ट होगा, कहां पर होगा, लोकेशन हम आपको बताएंगे, और कैसे शूट हुआ वो भी हम आपको अपने चैनल पर बताएंगे। तो गाइस आपको शायद नीचे लाल कलर का बटन दिख रहा होगा, शायद ही पक्का दिख रहा होगा कि वहां पर लिखा होगा सब्सक्राइब और लाल कलर का बटन है, तो उसको प्लीज़ आप दबा दो, और साथ साथ उसके बाद में घंटी का आइकॉन दिख रहा होगा उसको भी आप दबा दो, ताकि मैं जब भी मतलब RJD के शूट में जाऊँ और वहाँ का लोकेशन आपको बताऊँ कि यार किस तरीके का वहाँ पर शूट हो रहा है, तो वो आपको मिल जाए और आप देख सकोगे यार किस तरीके का सॉन्ग शूट हुआ है, ठीक है। सो गाइस इस वीडियो को थ्रू मैं आपको यही बताना चाह रहा था कि यार राजा यादव RJD का नया सॉन्ग आने वाला है पतली कबर नानी थारो,
जो कि एक निमाड़ या फिर हम कह सकते हैं आदिवासी का फेमस सॉन्ग है, और बहुत अच्छा रिस्पांस मिला इस सॉन्ग को लेकर के। सो फाइनली उन्होंने सोचा कि यार हम इस सॉन्ग पर डांस करने वाले हैं। सो बहुत मज़ा आने वाला, प्लीज़ देखना, और राजा दादो आरजेडी के चैनल पर भी जाकर विजिट करना एक बार, और सब्सक्राइब जरूर करना, और मेरे चैनल पर आए हो एक बार तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो यार प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि जब भी शूट होगा लोकेशन हम आपको बताएंगे, कैसे शूट हुआ वो भी हम आपको बताएंगे, ताकि यार आपको भी पता लगे किस तरीके से शूट होता है, किस तरीके से मेहनत करते हैं यूट्यूबर्स, तो सब कुछ बताएंगे आपको। और वो जो हीरोइन की आपको फ़ोटो देखी थंबनेल में, वो आने वाली है सॉन्ग के लिए, जो उनके साथ में शूट करेगी, डांस करेगी राजा दो आरजेडी के साथ में। हर गाने में आपको नई नई हीरोइन देखने को मिलती है, सो इस गाने में भी हीरोइन नई देखने को मिली है आपको। सो सपोर्ट करना प्लीज़ मुझे, राजा दादो को और पूरी टीम को सपोर्ट करना, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है सॉन्ग शूट करने में, ठीक है। सो बस यही अपडेट थी, आपको बताना था कि राजा दादो आरजेडी का नया सॉन्ग आने वाला है पतली कमर नानी थारो, आपने लिरिक्स सुन ली है कैसा सॉन्ग है। तो बस आज के लिए बस नहीं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए। और प्लीज़ लास्ट में आपसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगी यार, प्लीज़ जो भी चैनल पर नए आए तो यार चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और घंटी को जरूर दबाना, ताकि क्या है ना कि जब भी मैं नई वीडियो डालूंगा तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाएगा और वो वीडियो आपके पास जल्दी पहुँच जाएगी। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए और दूसरों को भी खुश रखिए।